तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आज के वीडियो के लिए जो है मैं कोई भी इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो है ये डिसाइड किया है कि मैं अपने वीडियो का नाम जो है वो ब्लाइंड ब्लॉग से चेंज करके कुछ और रखूँगा, और मैं अपने चैनल का नाम भी सुन चेंज करने वाला। पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मुझे लगा था कि मैं जो है 365 डेज कवर कर पाऊँगा, पर अभी लग रहा है कि गाइस 365 डेज तो छोड़ दो, एक महीने में अगर कवर कर लूँ कि 30 डेज 30 वीडियोज़ अगर मैं बना लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत होगा। पता नहीं गाइस कैसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि घर पे बैठ के जो कुछ नहीं बनता, और कुछ बनाना हो तो बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर आपको तो पता ही है गाइस, आप लोगों से क्या मैं छुपाऊँ, मेरे जो हालात ऐसे हैं वो हालात ने मुझे बांध के रखे हैं। मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ जो मैं चाहता हूँ। सही में गाइस, जब मैं अपने एरिया के यूट्यूबर्स को चैनल को देखता हूँ, किसी के 3.5 के सब्सक्राइबर, किसी के 1000 सब्सक्राइबर, और सबसे चौंका देने की वाली बात यह है कि वो मेरे साथ ही पढ़ा करते थे एक टाइम पे, और गाइस अब वो कहाँ पे है और मैं कहाँ पे रह गया यार। मेरे लिए लाइफ सिर्फ एक रेस बन चुकी है जिसमें कि जॉब लेना ज़रूरी है, और वो लोग जो है सही मायने में लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। मेरे जो कॉन्टेंट है जो मैंने अब तक मैं बनाया है, मुझे लग रहा है मैं उसको डिलीट कर दूँ और नए से चालू करूँ। मैंने जो है उसमें सिर्फ कचरा फैलाया है, मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की। मैं कहता था ना ब्लाइंड ब्लॉग बनाना मुश्किल है, उसमें जो है मैंने रत्ती भर भी मेहनत नहीं की। मैं जो है कभी कभार सोचता हूँ अपनी इमेजिनेशन में मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पर पता नहीं फिर दिल के एक कोने से एक आवाज़ ये भी कहती है कि बस सही मौके का इंतज़ार करो, कुछ ना कुछ होगा। पर यार आज सही में बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है। मैं अभी जो वीडियो बनाने के हालत में भी नहीं हूँ, लेकिन यार क्या करूँ, चैलेंज लिया था 365 डेज 365 व्लॉग्स। आज का ये जो व्लॉग है इसको मैं नाम देता हूँ बेकार व्लॉग्स, और मेरे पुराने जो वीडियोस थे उनके थंबनेल को मैं चेंज करूँगा और उनके भी नाम रखूँगा बेकार व्लॉग, और जहाँ पे मैंने ये टर्म यूज़ किया है ब्लाइंड व्लॉग उसको मैं म्यूट कर दूंगा और लिख दूंगा साइड में कि ये बेकार व्लॉग है। ओके सो गाइस, क्या ही कहूँ आपसे, आपसे अब कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आपसे शायद मैं अब नज़रें भी ना मिला पाऊँ, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस में जो है मैं खड़ा नहीं उतर रहा, और मैं जो है वो फेलो यूट्यूबर्स जो थे मेरे उनके जो वीडियोस देखता हूँ, उनके जो मीटअप हो रहे थे खड़े होके, जो वो भाषण दे रहे थे यार, उनके जो इतने फैंस थे जो उनको देखने के लिए आए थे, मुझे भी यार लगता है कि एक टाइम पे मेरे भी फैंस हो, लेकिन यार वो तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाता ना कि आप लोग ऐसे घर पे बैठ के कैमरा पकड़ लिया और जो भी जो मन में है वो बकवास करो और आपको फ़ैन मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। लाइव जो है ये तो इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं देता ना, और इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए शायद इन चीज़ों का मज़ा ही कुछ और है, नहीं तो फिर उनको जो फील होता वो मेरे को भी फील हो रहा होता। लोग जब रात को सोते होंगे ना तो यार उनको कुछ अलग ही फील होता होगा कि आज मैंने ज़िंदगी में कुछ किया, चाहे उतना ज़्यादा ना हो चाहे थोड़ा सा भी हो, लेकिन कुछ तो मैंने किया ताकि दो लोग आए मेरे से मीटअप करने, दो लोग आए मेरे चैनल को विजिट करने, दो लोग आए मेरे को सब्सक्राइब किया, दो लोग मिले मुझसे रास्ते में, मुझसे कहा कि सर कैन आई प्लीज़ क्लिक अ सेल्फी विथ यू, और मैं जो है घर पे बैठ के और ये एक ही टाइप का स्वेटर पहन के बार बार मुंह फाड़ के आ जाता हूँ। तो बस गाइज, मुझे यही कहना था कि मैं जो अपने चैनल में ब्लाइंड ब्लॉग से हटा के बेकार के ब्लॉग्स रख रहा हूँ, और जो है मैं अपने चैनल का नाम भी सून चेंज करूँगा, इसलिए मुझे किसी के एडवाइस की ज़रूरत होगी। मैं आज ही उसको फ़ोन करूँगा और उससे एडवाइस मांगूंगा, 3 4 दिन में चैनल का नाम भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं थंबनेल के ऊपर काम करूँगा, थंबनेल को भी चेंज करूँगा थोड़ा बहुत, और शायद मैं यूट्यूब के बैनर को भी चेंज करूँ, और लोगो जो है वो तो बिल्कुल ही भद्दा है उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। पता नहीं ऐसे गर्दन को ऐसे उठाए और गले का ये अजगर दिखा के मैं जो फोटो क्लिक किया था, मुझे लगा था बहुत कूल वेस्टर्न स्टाइल होगा, ये नहीं, ऐसे में उसमें जो है कार्टून लग रहा हूँ मैं, तो फोटो को मैं जो है हटाऊंगा, वो आपसे आपको नहीं दिखने को मिलेगा, और पता नहीं मैं अपने चैनल के साथ क्या करूँगा यार, मुझे कुछ आइडिया नहीं। अभी जो ये टाइम है इसमें मैं आपको कुछ कहना भी नहीं चाहता, कोई भी प्रॉमिस मैं नहीं करना चाहता, जितने मैंने कर दिए थे पहले बस उन्हीं को निभाना चाहता हूँ। पहले कुछ कर दूं, पहले कुछ बड़ा जो है कंटेंट अपने चैनल पे लाऊं, फिर जो है मैं बात करूंगा उससे पहले पता नहीं मैं क्या करूंगा, शायद मैं पागल कुत्ता दौड़ा लूं अपने पीछे, या फिर कूद जाऊं ब्रिज से नदी में, पता नहीं क्या करूंगा, दिमाग जो है घूम चुका है 360 डिग्री। चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक न्यू एनर्जेटिक या नॉन एनर्जेटिक बेकार के व्लॉग में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और टेक केयर से याद आया, ज़िंदगी में तकलीफों की कमी नहीं थी, मेरे जो है एक क्लोज पर्सन को कोरोना हो गया, कोविड पॉजिटिव निकला है वो, ठीक, तो टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।